Hi friends, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi. I am a numerologist, a tarot card reader and a life coach. So, आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ सबका बहुत फेवरेट टॉपिक दैट इज टैरो रीडिंग. आज मैं आप सबके साथ करूँगी टैरो रीडिंग और आज का टॉपिक है आपकी करंट सिचुएशन, आपकी लाइफ की क्या करंट सिचुएशन है, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं और भगवान की तरफ से आपका क्या मैसेज है, यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए या आपकी लाइफ के लिए. आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करें. तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये तीन फाइल्स हैं. फाइल नंबर 1 जिस पे गोल्डन हार्ट है, फाइल नंबर 2 पर्पल वाली और फाइल नंबर 3 इज़ फॉर ब्लू. ये 3 फाइल्स हैं आपके सामने. आपको इसमें से कोई भी एक फाइल चूज़ करनी है. उससे पहले आपको एंजल्स को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको याद करके, उनको प्रे करके, एंजल्स को थैंक यू करके आपको एक पाइल इसमें से चूज़ करनी है. कोई भी एक पाइल जो आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको वो एक पाइल इसके अंदर से चूज़ कर लेनी है. इंपल्सिव होके नहीं चूज़ करनी है आपने, इंट्यूटिवली चूज़ करनी है. जो भी आपसे कनेक्टेड फील कर रही है, कनेक्शन आपको लग रहा है जिस भी फाइल से, आप वो चूज़ कर लें. कोई भी एक फाइल आप चूज़ कर सकते हैं. जिन भी लोगों ने फाइल 1 चूज़ करी है, उनका गाइडेंस मैसेज क्या है वो हम देखते हैं. फाइल 1, High Priestess, first card, King of Pentacles, second, and Ten of Pentacles, third card. देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे लग रहा है आप इस पॉइंट पे किसी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं. आपको समझ नहीं आ रहा, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आप किस रास्ते पे जाएं. मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए. जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, आप भगवान से कनेक्ट हों और देखें और आपके अंदर मन क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपको, आपको वही करना चाहिए. और मुझे ये भी दिख रहा है अपने अंदर बहुत सी चीज़ें दबा के छुपा कर रखते हैं, अपने अंदर से चीज़ें नहीं निकालते, जो कि गलत है. आपको अपने अंदर से जितनी चीज़ें बाहर आप निकाल पाएँ, डिस्कस कर पाएँ, उतना ही आपके लिए अच्छा है. जो भी आपके लव्ड वंस हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे आप ज़रूर शेयर करें और अपने मन की जो बातें हैं आप उसको बाहर निकालें. अंदर दबा के रखने से आपके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी और कुछ क्रिएट नहीं होगा. दूसरी चीज़ जो मैं आपको देख पा रही हूँ, आपके जो गाइडिंग एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो आपको ये बता रहा है और भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है किसी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपका कोई बिज़नेस डील है, आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है या किसी के भी साथ. मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, एक एरोगेंस आ जाता है, या फिर मैं कह लूँ कि आपको लगता है ये मैं ही क्यों करूँ, वो क्यों नहीं कर सकता. तो वो आपको हटानी चाहिए, जिसकी वजह से आपके आपकी लाइफ के बीच में, आपकी रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अगर आप अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चल पड़ते हैं, तो आई थिंक चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत बेटर होती हुई दिख रही हैं. और लास्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अब जो भी आप ये चीज़, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कार्ड्स को देखते हुए, उससे पहले, करने से पहले, आप अपना जो भी आपके फैमिली में बड़े हैं उनका आप ब्लेसिंग्स ले लें, भगवान की ब्लेसिंग्स ले लें और ये काम करें. 110% ये काम आपका बिल्कुल फॉर श्योर होगा और बहुत अच्छे से होगा. उससे पहले प्लीज़ कनेक्ट करें अपने आप से, आप क्या चाहते हैं और जो आपका अंदर मन कह रहा है वही ठीक है और आपको वही करना चाहिए. मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ उससे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. सो अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 के बारे में. जो भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी या फिर ये पर्पल हार्ट चूज़ किया था,
अब हम उनके बारे में बात करेंगे, उनका क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो हम देखेंगे। तो पहला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है द स्टार। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लाइफ में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं या फिर अपनी लाइफ में इतना सबके लिए कर चुके हैं कि अब आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अब आप चाहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ, बहुत सबके लिए कर चुका हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो आपके बिजनेस में है, आप इतना ज़्यादा कर चुके हैं, अब आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, अब अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एक वो लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा अब बैक सीट लें और चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हों, अब आप हार्ड वर्क से थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में भी इंजॉयमेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूं, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, अब आप हार्ड वर्क और नहीं करना चाहते और अपनी लाइफ को रियल टर्म्स में जीना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक भी है। अब आप इतना हार्ड वर्क कर चुके हैं और आप सच में बहुत अच्छी सोल हैं, बहुत काइंड सोल हैं कि आप इतना सबके लिए करते हैं और इतना सबके लिए सोचते हैं, और अब आपको अपने बारे में सोचने का टाइम है और आपको अपने बारे में सोचना भी चाहिए। जो भी आपको ठीक लगता है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो कोई भी हॉबी है, कुछ भी है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए, और अगर आप वो करेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी भी आएगी। थोड़ा सा आपको टाइम अपने लिए निकालना चाहिए और आपको ये बोल रही हूँ कि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। आप बहुत इमोशनल हो लिए, सबके लिए बहुत कर लिया, तो थोड़ा सा आप अपने लिए भी जिए, अपने लिए टाइम निकालें और एक अच्छी लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पाइल के बारे में। जिन भी लोगों ने नंबर 3 पाइल चूज़ करी थी, ये ब्लू हार्ट चूज़ किया था, अब हम उनके बारे में बात करेंगे, उनका क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। फर्स्ट इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द सेकेंड कार्ड इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत डीपली हर्ट हैं, आपको किसी की कोई बात या कोई भी सिचुएशन से आप बहुत हर्ट हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत परेशान हैं, आप सोच रहे हैं उस बारे में और आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा वो आपके दिमाग में वो चीज़ घुस गई है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, आप उसी बारे में सोचे जा रहे हैं और आप जेन्युइनली उस चीज़ से बहुत हर्ट हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका किसी बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। अब मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू आर सो कन्फ्यूज्ड, आपको पता नहीं चल रहा कि आप किस रास्ते पर जाएँ, आपका कोई डायरेक्शन लेस हो जाता है जैसे इंसान, वैसे ही आपको आप सारी सब कुछ आपके सामने है बट स्टिल आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपको ए चूज़ करना चाहिए, बी सी या डी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत बहुत मुझे परेशान सिचुएशन में दिख रहे हैं। बट आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एंजल्स जो आपको बता रही हैं वो यही बता रही हैं, यूनिवर्स और भगवान आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है आपके लिए और ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी थी। जो भी आपके साथ हुआ है वो पास्ट है, अब आगे फ्यूचर आपका बहुत अच्छा आने वाला है, आपको बहुत एक अच्छी लाइफ आप जिएंगे और जो भी सिचुएशन है उससे आप ज़रूर निकल जाएंगे, और वो ऐसे ही निकल सकते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को बार बार वो सब चीज़ें ना सोचें जो आपको हर्ट कर रही हैं, आप उस चीज़ से निकले, चाहे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़े, आपको अपना कुछ और हॉबी कोई नई लेनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग यू नो डिफरेंट,
आप इस चीज़ में ना सोचते रहें, आप इस चीज़ में ना घुसे रहें। आप जितना इस चीज़ के बारे में सोचते जाएंगे, आप उतना उस प्रॉब्लम में जाते जाएंगे। और बिलीव मी, अगर आप इस चीज़ से निकलते हैं और आप निकलना सच में चाहते हैं इस चीज़ से, तो आप 110% निकल जाएंगे इस चीज़ से। आपको उससे उसके लिए अपने थॉट्स को फिल्टर करना पड़ेगा, आपको वो सब बिल्कुल भी नहीं सोचना उस चीज़ के बारे में। अगर आपका किसी से फर्स्ट से ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आप उस इंसान को, उसके मैसेजेस या उसकी कोई भी तरीके की जो भी चीज़ आपके पास है, आपकी कोई भी मेमोरीज हैं जो आपको वो बार बार याद दिलाती हैं, आप उसको साइड कर दें, उस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं लाएं, तो आप जल्द से जल्द उस चीज़ से निकल पाएंगे। और आगे जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट है और आपकी लाइफ आगे बहुत स्मूथ और बहुत ईजी होने वाली है। बहुत अच्छी लाइफ आप आगे आपको मिलने वाली है। आपका फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जो भी ये प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, ये टेम्प्रेरी है, ये सब आपके दिमाग में है। जैसे ही आप उसको अपने दिमाग से निकाल देंगे, जैसे ही अपने थॉट्स से इसको निकाल देंगे, आप समझ लीजिए 110% आपकी लाइफ से भी वो चीज़ चली जाएगी। थैंक यू। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।